कैसे लगी आप? ठीक है, कैसी लगी सर आपको? थैंक गॉड, एक अच्छी पारिवारिक फिल्म है जिसमें एक अच्छा संदेश डायरेक्टर इंद्र कुमार जी देना चाहते हैं कि आप जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाओ तो आपकी ज़िंदगी फूलेगी और आगे निखरेगी। और फिल्म की एक्टिंग के जो कलाकार हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, अजय देवगन और कुमार अकुलप्रीत सिंह और बाकी के जो सह कलाकार हैं उनका काम अच्छा है, वही प्लस पॉइंट है फिल्म का। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे फिल्म? मैं 4 दूंगा। म्यूजिक कैसा है? म्यूजिक के लिए उतना स्कोप है नहीं फिल्म में, लेकिन पुराना गाना है वो अच्छा है। वो कौन सी फिल्म से लिया है मुझे पता नहीं। नूरा का आइटम नंबर है? हाँ जी, एक नूरा का आइटम नंबर। हाँ, नूरा का आइटम नंबर है वो। ठीक, पैसे वसूल फिल्म कह सकते हैं क्योंकि ऐसी कॉमेडी फिल्म्स कम बनती हैं, तो इंद्र कुमार का ब्रांड है तो इंद्र कुमार के फैंस ज़रूर आएंगे फिल्म देखने के लिए, और अजय देवगन के तो फैंस हैं ही, और सिद्धार्थ ने भी अच्छा काम किया है तो वर्ड ऑफ माउथ से अच्छी चलेगी फिल्म। आउट ऑफ 5 कितना? 4। मुझे ही खटगरे में खड़ा कर रहे हैं। बस ये कहूँगा थैंक यू टू द डायरेक्टर, एक सेकंड होल्ड करना, इसके डायरेक्टर कौन है? इंद्र कुमार ना, रेडी? बस अभी अभी हमने थैंक गॉड देखी है, और सबसे पहले कहूँगा कि थैंक गॉड टू द डायरेक्टर इंद्र कुमार जी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह और एक बहुत सी छोटी सी प्यारी सी बच्चे शायद उसका नाम कुछ कियाना या जो इनकी बेटी बनी है सिद्धार्थ और रकुल की। तो फिल्म ऑब्वियसली जो हमने ट्रेलर में देखा था और स्टोरी तो हमें लग रही थी कि जो अक्सर सभी कल्चर्स में कहा जाता है कि मरने के बाद इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का फैसला होता है, तो वो तो खैर है इसकी एक मैं कहूँगा एक प्राइमरी स्टोरी, लेकिन इसके बीच में ये फिल्म आपको काफ़ी कुछ सिखा जाती है। थोड़ा बहुत मुझे लगा खास फर्स्ट हाफ में शायद थोड़ा 19-20 का फ़र्क है स्क्रीन प्ले में, कुछ सीन्स हैं, लेकिन शुरू से एंड तक ये फिल्म आपको ऐसी ऐसी सीख दिखाती है और छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी वो है, लेकिन अक्सर मैं ये इस फिल्म का जो मैसेज वही है कि अक्सर कई बार हम अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में इतने आगे निकल जाते हैं कि कई बार हम अपनों को भूल जाते हैं और पैसे की लालच में हम दूसरों का भी बुरा कर देते हैं। तो एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें एक सोशल मैसेज है, और ये आपको काफ़ी कुछ ये फिल्म आपको काफ़ी सारे मैसेजेस देती है। और इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मुझे ये मेरा पर्सनली मेरा मानना है कि ये शायद सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ मुझे उनकी एक्टिंग शुरू से एंड तक मुझे लगा कि वो अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। कई लोगों को शेरशाह भी पसंद आई लेकिन मुझे शेरशाह इतनी ठीक नहीं लगी। तो मैं कहूँगा इस फिल्म की जो हार्ट एंड सोल और जान है वो है सिद्धार्थ मल्होत्रा है। अब उनके कैरेक्टर के अंदर जो इतनी खामियां हैं वो सब बार बार निकल जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन पूरी फिल्म को सिद्धार्थ मल्होत्रा बांध के रखते हैं। और क्रेडिट देनी पड़ेगी इसके राइटर्स की, दो लोगों ने ये फिल्म इसका स्क्रीन पर लिखा है, और क्योंकि उनकी ऐसी सोच थी कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि फिल्म के अंदर एक सीन है जो कि उसने मुझे भी थोड़ा बहुत इमोशनल कर दिया था कि जहाँ पे अक्सर हम जब हम आम खाते अपने घरों में और ख़ासकर बचपन में तो हमारी माँ वो हमें आम काट के देती है, और अक्सर मेरे जैसा बेशरम बंदा वो आम का जो ऊपर का हिस्सा रहता था वो मैं खा जाता था और गुठलियाँ मेरी माँ के लिए छोड़ देता था। तो फिल्म के अंदर एक सीन है जहाँ पे जब सिद्धार्थ मल्होत्रा को एहसास होता है कि हाँ कि आज तक उनकी माँ तो सिर्फ, और उन्हें घिन आती है अपनी माँ को गुठली खाते देखे, लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो वो अपनी माँ के साथ बैठ के गुठलियाँ खाते हैं और उन्हें कहते हैं आज के बाद तू अकेली गुठली नहीं खाएगी। तो फिल्म में ऐसे सीन्स हैं जो आपको बिल्कुल सोचने में मन मजबूर करते हैं, आपकी आंखें शायद नम हो जाएंगी। तो ओवरऑल कहूँगा मैं कि इस फिल्म का जो मैसेज है वो स्ट्रॉन्ग है, सोशल मैसेज है, तो मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 3 स्टार, और ये कहूँगा ये बिल्कुल एक फैमिली फिल्म है, इसे आप ज़रूर जाइए और इस फिल्म को सराहिएगा। इट वॉज अ वंडरफुल मूवी एंड व्हाट आई लाइक्ड वाज द मैसेजिंग एंड मैसेजिंग जस्ट बिफोर आवर न्यू ईयर, टुमारो इज अ न्यू ईयर डे, सुपर्ब, वेरी गुड मूवी। आउट ऑफ 5, 5, वेरी वेल। सबसे अच्छा काम लगा दिस हीरो, व्हाट्स हिज नेम, सिद्धार्थ मल्होत्रा वाज टू गुड, ही डिड अ वंडरफुल जॉब, वेरी गुड एक्टर। म्यूजिक कैसा था? म्यूजिक वाज नाइस एंड आई लाइक द वे टी सीरीज हैड यूज्ड देयर ओन
intellectual property, and most of these songs are so apt, very well timed. हाँ वो भी बहुत ही अच्छा आइडिया था. हाँ बिल्कुल वो बहुत और उसका टाइमिंग भी बहुत अच्छा है और रेलेवेंस भी बहुत अच्छा है. कोई बात जो दिल में रह गई हो आपको फिल्म देखते समय आप लेकर जा रहे हैं? यही कि बहुत ये लाइफ बहुत छोटी है और इसमें बस अच्छे काम करो और अच्छे से जियो, बस यही मैसेज है. और आई कैरी इट विथ मी. टुमारो इज़ माई न्यू ईयर डे. आई होप आई विल ट्राई एंड चेंज माई सेल्फ. बस थैंक गॉड ही बोला मैंने भगवान को. वही मैं बोली कि इंद्र कुमार बेटा दिल मस्ती ग्रैंड मस्ती और उसके बाद ये तो भगवान ही मालिक है. पिक्चर के लिए भगवान ही मालिक है. तो कैसी लगी? मतलब मुझे तो बचकानी फिल्म लगी थोड़ी. इसमें पाप और पुण्य का हिसाब किताब दिखाया है. आउट ऑफ फाइव मैं दूंगी 3. म्यूजिक कैसा है? म्यूजिक अच्छा है. मैं खासतौर पर नोरा फतेह का जो डांस है. नोरा फतेह का डांस आपको अच्छा लगा? हाँ. और एक पुराना गाना भी है दिलबर दिलबर. वो भी वो मसाला डाल दिया उन्होंने पिक्चर में जितना मसाला डाल सकते थे. लेकिन स्टोरी बोलने जाएंगे डायरेक्शन बोलने जाएंगे तो सब जगह पर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी. कैसी लगी? एक्टिंग करने के लिए स्कोप ही नहीं था कुछ. अब देखो तुम ही क्या कर रहे हो गया. पैसा वसूल नहीं है फिल्म. एडिट कर लोगे ना बाद में? नहीं. पैसा वसूल ठीक ठाक है. ओके ओके. पहला शो आप देख कर आए हो. हाँ. दिवाली का मौका है लोग देखने जाए ना जाए क्या? एज ए फन देखने जाए देख सकते हैं. ऐसा नहीं है कि एकदम बुरी पिक्चर है. एज ए फन देख सकते हैं लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अगर दिमाग लड़ाएंगे रिसर्च करने जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा. तो एक टाइम पास फिल्म है. हाँ मतलब आके एक बार वन टाइम शो देख सकते हैं. वैसे भी अभी टिकट के रेट तो कम हो गए ना रिस्क ले सकते हैं. थैंक यू. थैंक गॉड फिल्म बहुत ही अच्छी है. सबसे पहले तो मैं यू नो फिल्म मेकर को बधाई दूंगा कि इस सब्जेक्ट पर सोचा गया है. क्योंकि ये सब्जेक्ट को पर सोचना कि आजकल के जो टाइम में है लोग यू नो जहाँ पर लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं. यू नो लोगों को पता है कि भगवान है अल्लाह है ऊपर वाला है लेकिन फिर भी हम यू नो गलती कर रहे हैं अपने लालच में चाहे पैसे की लालच हो या जो कुछ भी हो. तो ये एक बहुत ही बड़ा आई ओपनर है और एक बहुत बड़ी सीख देता है कि जिस तरह का कर्म करोगे उस तरह का फल मिलेगा. यू नो एक बहुत ही एंटरटेनिंग वे में इस फिल्म को दिखाया गया है. अजय देवगन परफॉर्मेंस क्या कहना यू नो वो बहुत ही अच्छा है. सिद्धार्थ मल्होत्रा का भी काम बहुत अच्छा लगा. मतलब यू नो उनके थ्रू से वही है जो कैरेक्टर है जो गलतियाँ करते हैं बहुत बार मानने की कोशिश नहीं करते लेकिन जब चीज़ अपने पर आती है तो किस तरह का उनका माइंड बदल जाता है वो कहानी है. रकुल प्रीत इज़ ऑल्सो वेरी यू नो शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल और हर एक किरदार बहुत ही अच्छा है इनका. है ना एक बहुत बड़ी सीख है और दिवाली के वक्त एक अच्छी फिल्म है. एक टोटली फैमिली एंटरटेनर विद एन आई ओपनर और कुछ सीख आपको देकर जाएगी. तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट दिवाली गिफ्ट. 3 स्टार दूंगा. हाँ वो जस्ट एक रिलीफ के लिए और एक थोड़ा लोगों को यू नो एक होलसम एंटरटेन कहते हैं ना कि नोरा को भी एडप्ट किया है थोड़ा ग्लैमर लाने के लिए और वो एक रिलीफ मिलता है इस चीज़ से. तो डेफिनेटली एंड नोरा इज़ वेरी ब्यूटीफुल. डेफिनेटली उसकी बहुत बड़ी एक फ़ैन फॉलोइंग है. एक रिलीफ लाने के लिए थोड़ा सा फिल्म में ग्लैमर लाने के लिए और वो भी एक रीज़न है उस चीज़ का. तो वो ओवरऑल द फिल्म इज़ गुड. सब तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा. मतलब अजय देवगन को क्या कहना है लाइक नेशनल अवार्ड विनर और उनकी एक्टिंग के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता. जग को पता है द एंटायर वर्ल्ड नोज अबाउट हिज एक्टिंग. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बहुत अच्छा काम किया. रकुल से सभी की मैंने बात की बहुत अच्छा है. थैंक यू सर. थैंक यू. पैसा वसूल फिल्म है ना? वन टाइम वॉच डेफिनेटली. मुझे ये फिल्म और फिल्म से कुछ अलग ही लगा. जैसे दूसरे कोई सा फिल्म एक टाइप का होता है ना ये एकदम अलग लगा. इसमें मुझे दो चीज़ जो आज मेरा इतना उम्र हो गया 70 साल मैं पार कर चुकी हूँ
इससे पहले मैं ये दो चीज़ मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था। एक आया जब हम लोग पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं तो हमारा ध्यान मंदिर में भगवान की तरफ ही रहता है, फल हुआ, फूल हुआ, दूध हुआ, सब कुछ। लेकिन उसी मंदिर के दरवाजा पर जो बैठे रहता है उनको हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, बाद में देंगे, आते हैं, होके आते हैं, ये करके हम लोग मंदिर के अंदर चले जाते हैं। लगता है कि भगवान जी को पूजा करके संतुष्ट होकर निकल कर दे, लेकिन फिर बाद में देखते हैं वो भिखारी को हम लोग भूल जाते हैं, अवॉइड करके घर ही चले आते हैं। क्या घर आके सोचते हैं चलो मन से पूजा अच्छा किए, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है शायद मेरी ज़िंदगी के इतने दिन का जो पूजा था भगवान को खुश करने के लिए शायद ये पूरा नहीं था। अगर मैं एक बार भी मंदिर के दरवाजे बैठे हुए उन लोगों को कुछ कर देते तो शायद भगवान खुश होते। दूसरी बात, मुझे एक चीज़ और लगा, आज हमने ये सीखा इतनी उम्र में कि झूठ हम लोग बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि झूठ नहीं बोलता है, लेकिन क्या होता है समय के साथ साथ वो झूठ दब जाता है, पुराना हो जाता है, हम भूल जाते हैं, जिसके लिए बोलते हैं वो भूल जाता है। लेकिन एक बार भी हम लोग ये नहीं सुन, मम्मी लोग कहते थे कि झूठ मत बोलो भगवान पाप देते हैं, लेकिन क्या ये पाप सच में मिलता है या नहीं? लेकिन आज पता चला कि जब हम लोग देखें तो ऊपर जाकर हमारे परपुरुष वही पाप को आंखों में उंगली डालकर दिखा दिए कि किसी इसी पाप की वजह से क्या होता है, कि पाप का फल मिलता है, ये हमें आज पता चल जाता है। इसीलिए मुझे ये दो जो वजह मुझे बहुत अच्छा लगा। आउट ऑफ फाइव कितने देती है, पाँच में कितने दोगे आप, पाँच में इस फिल्म को कितने अंक दोगे? कितने अंक? मेरे लिए मैं फोर से ज़्यादा, फोर ही सोच लो, फिर भी है थोड़ा बहुत इधर उधर है, लेकिन हाँ रियली मुझे बहुत अच्छा लगा।